choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक। तो अब तक कहानी में आपने देखा नल अपने हजारों सिम्बियोट्स ड्रैगन की आर्मी के साथ अर्थ पे आ चुका है। वो यहाँ पे ब्रॉक को ढूंढने आया है। तो एडी ब्रॉक ने उसे अपने आप को सौंपने की कोशिश की ताकि वो खुद की बलि देकर वर्ल्ड को बचा सके, लेकिन नल एडी ब्रॉक के बेटे डेलन ब्रॉक को ढूंढ रहा था। एडी से उसका सिम्बियोट छीनने के बाद वो एडी ब्रॉक को नीचे फेंक देता है जिससे एडी की डेथ हो जाती है। हमारे हीरोज बिखर चुके हैं, भूतों के ऊपर नल ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा चाहे चीजें कितनी मुश्किल क्यों ना दिखाई दे रही हों। इस यूनिवर्स के अंदर काफी सारे प्लैनेट्स को नल ने पहले ही अपने कंट्रोल में ले रखा है। इन्हीं प्लैनेट्स के थ्रू होती हुई कोई चीज अर्थ की तरफ आ रही है और कह रही है हर एक डार्कनेस के बदले एक रोशनी होती है उसके बिल्कुल समानांतर और विपरीत, लेकिन हाल फिलहाल वो रोशनी कमजोर है क्योंकि जब नल अर्थ की तरफ जा रहा था वो तारों में पहले ही काफी सारी लाइफ फोर्स को अपनी कंट्रोल में ले चुका है और वो जाने जा चुकी है। पूरे के पूरे प्लैनेट लाइफ फोर्स से खत्म हो चुके हैं, रोशनी से खत्म हो चुके हैं। मैं इन सब को फील कर पा रहा हूँ, इस नथिंगनेस को, इस मौत को जहाँ पे खुशी प्रार्थनाएं और हंसी इस वर्ल्ड में चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा मैं क्या फील कर पा रहा हूँ वो है एक बच्चे का दुख जो मेरे कानों में एक सायरन की तरह बज रहा है और उसके चारों तरफ मौत फैली हुई है। बाहर सुजन वैम्पायर्स की आर्मी के साथ नल की आर्मी से लड़ रही है। रेड, अगर हमें कुछ करना है तो अभी करना होगा। ब्लेड और उसकी वैम्पायर आर्मी केवल कुछ ही समय के लिए इन्हें रोक सकती है। मैं हमेशा के लिए अपनी शील्ड मेंटेन करके नहीं रख पाऊंगी। जबकि रीड का ध्यान किसी और ही तरफ है। इनक्रेडिबल, एक आदमी जिसका नाम रैथ था उसने ड्राइव एडी ब्रॉक को दी थी। इसके अंदर की जानकारी काफी ज्यादा ही एनक्रिप्टेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर वो जानकारी छुपी हुई है कि डेलन की रोशनी कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन किसी ऐसी चीज से है जो इस वर्ल्ड से नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सिग्नेचर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। सुजैन ने कहा, टाइम पास मत करो। रीड ने कहा, हाँ माफ करना। पीटर डेलन से बोलते हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर तुम मना कर देते हो, अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। रीड ने कहा, इट्स ओके, टाइम हो चुका है। हम सब के पास अपना मिशन है, हमें कैसे भी करके डेलन ब्रॉक को बचाना होगा। वो हमारे दोस्तों को छुड़ा सकता है और उसके बाद इस पूरे वर्ल्ड को। मेरे दरवाजा खोलते ही वुल्वरीन और स्पाइडरमैन डेलन को वैम्पायर्स आर्मी के पास लेकर जाएंगे। मैंने तुम सभी को ईयरपीस कम्युनिकेशन डिवाइस दे दिए हैं, लेकिन जेवियर अगर यहाँ से स्ट्रीट हार गई, प्रोफेसर एक्स कहता है मैं हम सभी का कनेक्शन बनाए रखूंगा। रीड ने कहा, ओके एवरीवन, तो सभी लोग तैयार हैं? पीटर डेलन से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डेलन ने कहा, मैं किसी को दर्द पहुंचाना चाहता हूँ। तो गाइस डेलन लड़ने के लिए तैयार है और एक धमाके के साथ दरवाजा तोड़ते हुए लोग बाहर निकलते हैं। पीटर कह रहे हैं, सभी लोग मेरे पीछे आओ। याद रखना इनमें से बहुत सारे लोग इंसान हैं जिन्हें नल ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, लेकिन जब तक डेलन इन्हें आजाद नहीं कर देता, लोगों ने कहा मैं संभालूंगा मकड़ी, इन्हें हराना होगा। तो गाइस डेलन लोगों को आजाद करने लगता है, तभी कैप्टन अमेरिका उसके सामने आया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम हमारे मुकाबले कुछ नहीं हो, हम इस पूरे प्लैनेट को खा जाएंगे और कोई चीज हमें नहीं रोक पाएगी। वो अपनी शील्ड डेलन की तरफ फेंकते हैं। डेलन ने कहा, माफ करना कैप्टन, मुझे आपकी शील्ड चाहिए। और डेलन ने बड़ी आसानी से कैप्टन की वो शील्ड पकड़ ली। तभी कैप्टन उसकी तरफ कूदा। डेलन ने कहा, मैं जानता हूँ नल, तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं जानता हूँ तुम कैप्टन से जुड़े हुए हो और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम इसे महसूस भी कर पाओगे और उम्मीद है इसमें दर्द भी होगा। गाइस कैप्टन के ऊपर हमला करता है और इसमें नल को काफी दर्द हुआ। ओह, तो आखिरकार तुम दिख ही गए, तो तुम यहाँ हो बच्चे। गाइस वो एक हाथ बनाकर डेलन को पकड़ने की कोशिश करता है। डेलन ने कहा, गाइस मुझे लगता है कि मैंने उसको गुस्सा दिला दिया है। कैप्टन खांसते हुए खड़ा हुआ। डेलन क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ? जबकि डेलन कह रहा है, ये नल है, मैं उसे पीछे नहीं धकेल पा रहा, मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी उस बड़े से नल के हाथ के ऊपर एक लाइटनिंग हमला होता है। इसमें नल को काफी दर्द हुआ। नहीं, ये पावर, लेकिन कैसे? ये कुछ जाने पहचानी से लग रही है, ऐसा कौन कर सकता है? तभी थंडर गॉड इसके सामने आया। इसे लाइटनिंग कहते हैं, जल्दी तुम इसे अच्छी तरीके से पहचान जाओगे विलन। गेजू डेलन के पास आकर रुकता है। तुम डेलन होगे, मैं थोर हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? डेलन ने कहा, बस मेरा ध्यान रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा, थोड़ी लाइटनिंग भी काम आ सकती है। थोर कहते हैं, हाँ लाइटनिंग मैं संभाल लूंगा। तो गाइस ये दोनों मिलकर एक एक करके लोगों और हीरोज को आजाद करने लगे।
जबकि वो चीज़ जो अर्थ की तरफ आ रही है वो फिर से बोलती है, हर एक अंधकार के लिए एक रोशनी होती है, एक विपरीत और समानांतर। थॉर और वैनम का बच्चा लड़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं उनके पास जाता जा रहा हूँ, मैं उन्हें फील कर सकता हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि वो अपनी हर एक सांस के साथ डार्कनेस से लड़ रहे हैं। मैं ये बात भी जानता हूँ, वो हार जाएंगे, वो गिर जाएंगे, और इन सब का कारण होगा नल, जिसे कि हर एक वार के साथ रोशनी के इन दोनों वॉरियर्स के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड किंग इनके सामने खड़ा है। गैजनल एक धमाके के साथ इनके पास पहुंचता है। थोर कहता है, तो तुम आखिरकार छुपने की बजाय हमारे सामने आ ही गए। तो तुम ही हो जिसे लोग नल कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तुम एक आधे पियक्कर्ड अपने ड्रैगन को मार रहे थे एक बार। नल ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम लिटिल गॉड, तुमने मेरे एक बच्चे को मारा, लेकिन तुमने कभी मेरा सामना नहीं किया होगा। तुमने मुझ जैसे कभी किसी चीज का सामना नहीं किया होगा। मैं हूँ गॉड ऑफ द वॉइड, किंग ऑफ द एबिस, मैं हूँ। तभी थंडर गॉड उसकी बात काटते हुए बोला, चुप हो जाओ, तुम जो कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। तो तुम एक गॉड हो और एक किंग हो, मैं क्या करूँ। कैजो नल की तरफ बढ़ता है, लेकिन नल उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। थोर ने कहा, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक गॉड और एक किंग का क्या मतलब होता है। लेकिन नल ने उसकी गर्दन पकड़ ली, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ भी चीज समझा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा लिटिल गॉड, आज मैं तुम्हें मरना सिखाऊंगा। गैजो थोर को पटक देता है। डेलन को चिंता होने लगी। थोर ने कहा, नहीं डेलन, यहाँ से चले जाओ। तभी नल डेलन को दूर फेंक देता है। चुप हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हारा बचपना बहुत सहन कर चुका हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हीरोज फेल होते जाएंगे, मेरी सेना उन्हें कंज्यूम करती जाएगी, और तुम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे, तुम खुद भी ऐसे ही बनने वाले हो। गैस सिम्बियोट्स डेलन के ऊपर कंट्रोल करने लगे, और डेलन कैसे भी करके उन्हें पीछे नहीं धकेल पा रहा। नहीं पीछे जाओ, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। तभी थोर नल को एक जोरदार किक करता है, हट जाओ मेरे ऊपर से। जबकि डेलन सिम्बियोट्स उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। नल ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये वर्ल्ड अब मेरा है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। थोर ने कहा, नहीं मिडगार्ड मेरी प्रोटेक्शन में है, जैसे इस वर्ल्ड के सारे रैम्स हैं, मैंने तुम जैसे कई सौ को मारा है, उनमें से हर एक अपने आप को मौत कह रहा था, द लिविंग वर्ल्ड द एंड। तो मैं कहता हूँ, मैं हूँ किंग थोर ऑडिनसन, गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, और इस गैलेक्सी के अंदर हर एक रैम का रखवाला, इस लड़ाई को मैं खत्म करूंगा, और मैं बहुत लड़ चुका हूँ। गैजो अपने हैमर से नल के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, इससे नल का जबड़ा टूटकर गिर गया। नल ने कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गैजो सेलेस्टियल्स को कंट्रोल करने लगता है। रीड कह रहा है, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो आसमान की तरफ देखो, सभी लोग तैयार हो जाओ। नल ने सेलेस्टियल्स को जगा दिया है। आयरन मैन, थोर, जो कोई भी यहाँ पे है, मुझे तुम सबकी जरूरत है। थोर ने कहा, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जबकि नल अपने अंदर से अपने नेक्रोस स्वॉर्ड बनाकर बाहर निकालता है। हर कोई जलाया जाएगा। गैजो थोर को पकड़ लेता है। सेलेस्टियल्स आसपास तबाही फैलाने लगते हैं, जबकि नल वो थोर के अंदर अपनी तबाही घुसा देता है। और तुम देखोगे, तुम्हें ऑल ब्लैक का दर्द महसूस हुआ है ना? वेल, अब तुम्हें ऑल ब्लैक के क्रिएटर द्वारा मारे जाने का गर्व महसूस होगा। रीड कह रहे हैं, डैम इट, सभी लोग कोई सुन पा रहा है, हमें एक प्लान चाहिए, हमने थोर को खो दिया है और चीजें बहुत खराब होने वाली है। तभी आयरन मैन ने कहा, शांत हो जाओ रीड, मैं टोनी बात कर रहा हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन किसी को उस बच्चे को वहां से बाहर निकालना होगा। रीड पूछते हैं, तुम संभाल लोगे? तुम दो सेलेस्टियल्स के साथ कैसे लड़ोगे? आयरन मैन कहता है, तुम्हें याद है मैंने एक एक्सट्रीमिक्स इन्फेक्टेड सिम्बियोट के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। वेल, जब से उस बच्चे ने सिम्बियोट के इसके हाइव से अलग किया है, मैं इसे काफी अच्छे तरीके से जानने लगा हूँ। रीड पूछते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, तो अब तुम्हारे पास एक ड्रैगन है या फिर कुछ और? आयरन मैन ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ड्रैगन नहीं है, ये वो सभी कुछ है जो मैं इसे बनाना चाहता हूँ। तो तुम पूछ रहे थे कि मैं दो सेलेस्टियल्स को कैसे हराऊंगा? वेल, मैं नहीं हराऊंगा, मैं इस ड्रैगन का इस्तेमाल करके उनमें से एक के ऊपर कंट्रोल करूंगा और इसे अपना नया फेवरेट आर्मर बनाऊंगा। और तब, वेल मिस्टर फैंटास्टिक, क्या तुमने कभी पद्दम पद्दा खेली है? तो गाइस, आयरन मैन एक सेलेस्टियल के ऊपर कंट्रोल कर चुका है और दूसरे सेलेस्टियल से लड़ने लगता है। नल ने कहा, तो अब डेलन ब्रॉक, मेरे बच्चों के बच्चे, डरो मत, अब मैं तुम्हारी इकलौती फैमिली हूँ, मेरे साथ आओ, चलो बात करें मेरे बेटे। गैस थोर वो अपने कौओं से कह रहे हैं, होगिन मुनिन, जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ
और गाइस वो जो चीज अर्थ की तरफ आ रही थी वो है सिल्वर सर्फ ऑफ ब्लैक, जो कह रहा है हर एक डार्कनेस के खिलाफ एक रोशनी होती है, एक समानांतर और विपरीत। एक और है जो नल के बिल्कुल उल्टा है, एक गॉड ऑफ लाइट, जहाँ से डेलन को उसकी पावर्स मिलती हैं। लेकिन जब नल ने अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया है तो रोशनी डेलन तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन मैं आ रहा हूँ। तो गाइस इसकी एग्जैक्ट नेक्स्ट स्टोरी आएगी 1 महीने बाद। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।